महाभारत कालीन सभ्यता से जुड़ा उत्तर प्रदेश का इटावा जिला एक्सप्रेसवे हब बनता जा रहा है। इसी कड़ी में इटावा को एक और एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बाद अब चंबल एक्सप्रेसवे भी यूपी के इटावा से होकर गुजरेगा। 3 एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाला इटावा यूपी का पहला जिला माना जा रहा है। कभी दुर्गम बीहड़ों और नामी डाकों की पहचान रहा चंबल भी अब हाईटेक होने वाला है। प्रशासन और पुलिस की कसरत ने डाकुओं का खात्मा तो किया ही, साथ ही अब ग्रीनफील्ड चंबल एक्सप्रेसवे परियोजना के माध्यम से बीहड़ इलाकों में विकास की गंगा बहाने की योजना बन रही है। नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। चंबल एक्सप्रेसवे राजस्थान के कोटा से शुरू होगा, जो मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा तक करीब 400 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जिसमें 309 किलोमीटर का हिस्सा मध्य प्रदेश में, 78 किलोमीटर राजस्थान और 17 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में रहेगा। ये चंबल के बीहड़ों और अब तक विकास से अछूते रहे इलाकों से होकर गुजरेगा। चंबल एक्सप्रेसवे को 4 लेन बनाया जाएगा, जिसे बाद में 8 लेन में बदला जा सकेगा। ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से ग्रीनफील्ड होगा। इस एक्सप्रेसवे को चंबल एक्सप्रेसवे नाम दिया गया है, क्योंकि इसे चंबल नदी के किनारे या फिर समांतर बनाया जाएगा। 417 किलोमीटर लंबा प्रस्तावित एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के माध्यम से कानपुर से कोटा तक एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है और फिर दिल्ली मुंबई कॉरिडोर में शामिल हो जाता है। यूपी के इटावा में भरथना के पास नगरिया सरावा गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चंबल एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा। चंबल एक्सप्रेसवे की प्रस्तावित परियोजना क्रॉस कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। एक्सप्रेसवे को बनाने में लगभग 8,250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 4 लेन एक्सप्रेसवे के लिए 70 मीटर जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। साथ ही राज्यों से एक्सप्रेसवे के किनारे अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण के लिए कहा गया है, जिससे कि आर्थिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। उस भूमि पर NHI एक्सप्रेसवे के दोनों ओर लॉजिस्टिक पार्क, औद्योगिक केंद्र, कृषि उत्पादन केंद्र, खाद्य प्रसंस्करण केंद्र, स्मार्ट सिटी, शिक्षा केंद्र, रिजॉर्ट्स व मनोरंजन केंद्र बनाएगी। इसके अलावा राज्य सरकारें बस पोर्ट, ड्राइविंग ट्रेनिंग संस्थान आदि बनाने का प्रस्ताव भेज सकती है। साथ ही बता दें कि भविष्य में इंदौर, जबलपुर और जयपुर में प्रस्तावित लॉजिस्टिक पार्क एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना भी बनाई गई है। चंबल एक्सप्रेसवे के इस साल आखिर में शुरू हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान के कोटा को मध्य प्रदेश के भिंडे से जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे मुख्य रूप से चंबल क्षेत्र में आदिवासी समुदायों और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि ये देश का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है। इसके बनने से कानपुर सीधे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से जुड़ जाएगा और आसपास के इलाकों में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। साथ ही तीनों राज्यों यानी कि MP, राजस्थान और यूपी के किसान सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे, क्योंकि वे अपनी उपज को सीधे दिल्ली मुंबई के बाजारों में भेज सकेंगे। इससे शिवपुर, मुरैना और आसपास के इलाकों में बसने वाली सहरिया जैसी कई जनजातियों के लोगों की भी जिंदगी बेहतर हो सकेगी। ये मध्य प्रदेश के चंबल संभाग के औद्योगिकरण और विकास में भी मदद करेगा। इसके साथ ही इसके निर्माण से इटावा की बदहाल तस्वीर में भी बदलाव होगा। फिलहाल आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और यूपी से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।